नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 अगस्त 2023 और यहां पे 23 अगस्त 2023 के लिए यानी बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन समझाऊंगा, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट, एंट्री, रिस्क सब बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट कॉल के लिए। साथ ही मेरा मीटअप प्रोग्राम पटना में हो रहा है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप पटना आ सकते हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 को मैं पटना में रहूंगा, लेकिन 7 सितंबर 2023 से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 8709652195 है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे आप मुझे 7 सितंबर से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आपका सीट मैं बुक कर लूँ अपने लिस्ट में। ठीक है, 9 से 10 सितंबर को हम लोग वहाँ पटना में मुलाकात हो। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। 3 स्टार वीडियो में जो सबसे पहला स्टॉक की तरफ है वो है HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक मार्केट में तो अभी तो गिरावट आया हुआ है और एक रेंज फंसा हुआ है, उसके वजह से HDFC बैंक देखिए अपना अप्रैल मंथ का जो सपोर्ट एरिया है ना, उस सपोर्ट एरिया पर अप्रैल, उसके बाद जून और उसके बाद अगस्त, हर 2 महीने के बाद इस सपोर्ट एरिया पे ये पहुंच जा रहा है और इसके पास होल्ड कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो अगर मान लेते हैं पहला कंडीशन बाइंग बाउंस आ जाता है तो 1586 का लेवल है जो उसको ब्रेक करना होगा, तभी बाउंस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बाय वो 1586 कर लेंगे और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1579 1579 का रहेगा। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1593 रुपए का रहेगा, यानी 1590 का 93 का। दूसरा होगा 1600 रुपए का 1600 का, तीसरा 1607 रुपए 1607 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, तो सेल का लेवल होगा 1577 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1577। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो आ जाएगा इस कंडीशन में 1584 रुपए का, और जो टारगेट होगा यहाँ पे हमारे पास वो 1570 1570 का। दूसरा टारगेट होगा 1563 का 1563, और तीसरा टारगेट होगा 1556 यानी कि 1556 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचेगा तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक करना है, लेकिन शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ऑर्डर नहीं लगाना है। जब शुरू का 5 मिनट का वॉलिटिलिटी शांत हो जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। चलिए, ये पहला स्टॉक हो गया। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है जिसका नाम है H4 Havells, यानी H4 HDFC बैंक और H4 Havells। Havells अभी जो कंज्यूमिंग वाला है उसमें आपको अच्छा मूवमेंट बन रहा होगा Havells में। अब यहाँ पे देखिए Havells में आप 15 मिनट के चार्ट को कि बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम का लेवल था जो कि इसने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। देखिए कितना बड़ा ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ ऊपर की साइड में गया है, तो एक बुलिश पैटर्न बनाने की यहाँ कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट का भी कोशिश कर रहा है। अगर नहीं किया और किया, दोनों ही कंडीशन में समझेंगे। पहले मान के चलते हैं कि ये ब्रेकआउट कर रहा है तो 1322 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, बाय बो 1322। दूसरा स्टॉप लॉस होगा 1315 1315 रुपए का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1329 रुपए 1329 का। दूसरा टारगेट होगा 1335 36 रुपए भी कर सकते हैं, 1336 पर 1336 का, और तीसरा टारगेट 1343 1343 का। मान लीजिए ये नीचे गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो 1312 के नीचे बेचेंगे, यहाँ से गिरता है तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 1319 रुपए का लेके चलेंगे 1319 का। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में सेल साइड 1305 रुपए, दूसरा टारगेट 1298 रुपए 1298, और तीसरा 1291 1291 रुपए का। तो दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में लॉस बुक करेंगे। तो ये है आपके लिए सेकेंड स्टॉक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा और फाइनल स्टॉक है आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल। देखिए टेक्सटाइल में भी कुछ मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल, और आ गया मैं सेंचुरी टेक्सटाइल पर। 15 मिनट के चार्ट पे ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ सेंचुरी टेक्सटाइल ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं
रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को 998 रुपए के ऊपर तो बाइंग करेंगे, बाय बुक 998, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 991 रुपए का होगा, और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 1005 1005, दूसरा टारगेट 1012 1012, दूसरा टारगेट 1019 1019 रुपए का। और अगर ये सेलिंग करता है यहाँ से गिर जाता है इसके नीचे तो हम लोग सेल करेंगे, सेल का लेवल होगा 988 के नीचे, सेल बिलो 988, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 995 रुपए 995 का, टारगेट जो पहला होगा इस कंडीशन में 981 रुपए 981, दूसरा टारगेट 974 974, तीसरा 967 967 रुपए का। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए यानी कि 23 अगस्त 2023 के लिए मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मीटअप प्रोग्राम के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पटना में 9 से 10 तारीख को अवेलेबल रहूंगा, आप चाहें तो आप मुलाकात करने मुझसे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 7 सितंबर 2023 से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।